अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप लोग कैसे हो? उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आलू टमाटर की सब्जी की रेसिपी, जो कि बनाना बिल्कुल आसान है। बिल्कुल आसान तरीके से बना के दिखाऊंगी। ये सब्जी चावल के साथ, रोटी के साथ बहुत ही अच्छी लगती है गाइस खाने में। तो चलिए गाइस बनाना शुरू करते हैं। आलू टमाटर की सब्जी बनाने के लिए मैंने इधर आलू को छील के काट लिया है। आधा किलो आलू हमने लिया है, इसे छोटे पीस में काट लिया है, छील के काट के धो के रख लिया है। इधर हमने हरी मिर्च लिया है, ये हरी मिर्च है, लाल हो गई है, 6 से 7 हरी मिर्च है, इसे काट के रख लिया मोटे मोटे पीस में, ज्यादा बारीक नहीं किया है। इधर हमने 2 टमाटर काट लिया है, ऐसे लंबाई में काट लिया है। इधर कुछ हरा प्याज है, थोड़ी सी हरी धनिया है। अब चलते हैं सब्जी को बनाना शुरू करते हैं। देखिए गाइस, सब्जी बनाने के लिए मैंने इधर गैस पे कढ़ाई चढ़ा दिया है। सबसे पहले इसमें तेल डाल देती हूँ। तेल मैंने सरसों का लिया है, आप चाहो तो रिफाइंड के तेल में बना सकते हो, पर सरसों के तेल में सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है। देखिए गाइस, तेल हमारा गर्म हो गया अच्छे से। मैंने इधर एक लहसुन की कलिया लिया, उसे लंबाई में काट लिया है। एक लहसुन की कलिया मैंने डाल दिया है। आप अगर जो लहसुन प्याज नहीं खाते हो तो स्किप कर सकते हो, उसकी जगह पे आप जीरे का तड़का लगा के बना सकते हो, सब्जी बहुत ही टेस्टी बनेगी। एक ये हरा वाला प्याज है, इसे भी काट लिया बारीक, इसे डाल देती हूँ। अब ये लहसुन प्याज हमारा हो गया है हल्का ब्राउन कलर के। अब ये कटी हुई हरी मिर्च डाल देती हूँ इसमें। मिर्ची हमारी हल्की सी हो जाए, ज्यादा जलाना नहीं है। लहसुन प्याज जो मैंने डाला था अच्छे से कलर आ गया था माशाल्लाह, जब हमने मिर्ची डाला है। अब मिर्ची हल्की सी लाल हो जाए उसके बाद में हम सब्जी डालेंगे। अब ये लहसुन प्याज मिर्ची हमारी हो गई अच्छे से, अब आलू डाल देते हैं इसमें, चला देते हैं अच्छे से। सारी सब्जी मिक्स हो जाएगी। सब्जी को मैंने मिक्स कर दिया अच्छे से, ये मिक्स हो गई है, अच्छे से चला दिया। अब इसमें नमक डाल देती हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालना, नमक और मिर्च। नमक ये मैंने 1.5 चम्मच डाला, इतना बिल्कुल परफेक्ट रहेगा, आप लोग अपने हिसाब से डाल सकते हो, पर इस वाली सब्जी में ज़्यादा तेज नमक नहीं अच्छा लगता गाइस। मैं जब भी बनाती हूँ मेरे घर में सारे लोग शौक से खा लेते हैं ये सब्जी, सभी को बहुत पसंद आती है, क्योंकि इसमें मसाले भी ज़्यादा नहीं रहते हैं, हल्के मसाले रहते हैं, बिल्कुल प्लेन सब्जी रहती है। इधर हमने 1 कप पानी ले लिया है, पानी भी डाल देते हैं। नमक डाल के मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। आलू को गलाने के लिए पानी डाल दिया थोड़ा सा। अब इसको ढक देते हैं सब्जी को मीडियम आंच करके। अब ढक्कन लगा देते हैं कढ़ाई पे, 10 मिनट के बाद दिखाते हैं आपको। 10 मिनट स्लो आंच में पकाना है इसको। देखिए सब्जी को पकते हुए 10 मिनट हो गए हैं, अब इसे चेक कर लेते हैं। 10 मिनट मैंने बिल्कुल मीडियम आंच में पकाया है इसे। आलू को पकने में टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है। अब ये एक आलू तोड़ के चेक कर लेते हैं, ये आराम से टूट रहा है, बहुत अच्छे से गल गया है। अब इसमें कटी हुई हरी प्याज डाल लेती हूँ, मैंने थोड़ी सी प्याज काट के रख लिया है। आलू की सब्जी में इसका फ्लेवर प्याज का बहुत अच्छा लगता है। एक बार चला देते हैं। अब ये टमाटर डाल देती हूँ, जो मैंने 2 टमाटर काट के रखा था, इसे भी डाल देते हैं। एक बार चला देती हूँ अच्छे से, टमाटर भी हमारे मिक्स हो जाएंगे। अब सब्जी को 2 मिनट के लिए फिर से ढक देते हैं, उसके बाद दिखाते हैं आपको। अब सब्जी को चेक कर लेते हैं इसको पकाते हुए, 2 मिनट हो गए हैं, टमाटर भी हमारे सॉफ्ट हो गए हैं अच्छे से, सब्जी हमारी रेडी है माशाल्लाह बनके। थोड़ी सी कटी हुई हरी धनिया डाल देती हूँ ऊपर से, इसमें और कुछ भी नहीं पड़ेगा, सब्जी बिल्कुल बनके रेडी हो गई है। वीडियो हमारी जरा से भी पसंद आ रही होगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, ताकि हर एक नई वीडियो आने वाली सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना हमारे चैनल को। धनिया मैंने डाल दिया है, अब गैस को बंद कर देती हूँ। सब्जी बिल्कुल रेडी, अभी आपको सर्व करके दिखाते हैं। देखिए गाइस, आलू टमाटर की सब्जी हमारी बनके रेडी हो गई है, बहुत टेस्टी बनी माशाल्लाह। इसको पकाने में टाइम नहीं लगता है, 10 मिनट में ये सब्जी तैयार हो जाती है। ये चावल के साथ बहुत टेस्टी लगती है खाने में, चावल के साथ, रोटी के साथ। आप कोई सब्जी ना हो तो आलू की सब्जी इसे आलू टमाटर के तुरंत बना के खा सकते हो। इस सब्जी को पकाने में टाइम नहीं लगता, आलू टमाटर की सब्जी 10 मिनट में पक के तैयार हो जाती है।
बहुत टेस्टी बनी माशाल्लाह। इसमें मसाले भी ज्यादा नहीं है, मैंने इधर प्याज काट के रख लिया है सलाद में, खाली प्याज काट के रख लिया है। प्याज के साथ रोटी के साथ आप खाओगे तो बहुत ही मजा आएगा खाने में। वीडियो हमारी जरा सी भी पसंद आई गाइस तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। मिलते हैं गाइस एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआ में याद रखना।